या दरभंगा के रहने वाले, दुबई में रहते हैं जी। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आप? दिक्कत ये हिप जॉइंट्स है ना, हिप जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन आ रही है, मतलब घुटने से ऊपर इतना ज़्यादा पेन है कि किसी भी पोजीशन में रिलैक्स नहीं मिलता, किसी भी पोजीशन सोने में भी नहीं। ये कितने दिन से हो रहा है? ये 1 month से हो रहा है, बट ये 2 weeks से बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच गया है। कैसे, किस टाइप का वर्क था आपका? मेरा वर्क एक्चुअली, मैं इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर। थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है सिटिंग, मतलब गाड़ी में मैं खुद कार ड्राइव करता हूँ, हाफ आवर 1 hour जर्नी किया, फिर एक साइड पे देखा, हाफ आवर वहाँ स्पेंड किया, फिर मुझे नेक्स्ट के लिए ट्रैवलिंग जाता है, मतलब होल डे में 3-4 hours मुझे। ये कैसे स्टार्ट हुआ था, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत माइल्ड पेन से स्टार्ट हुआ था यहीं पे, और एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि ये एक्चुअली कहाँ से आपका शो कर रहा है, L5 और S1 पे। हाँ। और बाकी थोड़ी बहुत कंप्रेशन आपका होल स्पाइन पे है, देख सकते हैं, थोड़ी बहुत कंप्रेशन जो है नेक पे भी है, बैक पे भी है, डोर्सल स्पाइन पे भी है, लंबर स्पाइन पे। हाँ, मुझे भी मेजर आपका जो है L4 और L5 पे है, और मुझे जब बहुत ज्यादा पेन होता है ना तो पीछे लगता भी, बैक में पूरी हलचल मची होती है, पूरा प्रॉब्लम आपका हिप जॉइंट है, नहीं ऐसा रिसेंटली तो नहीं है इधर कुछ। हाँ, वेट उठाना है, हो सकता है, तो माइंडली दे रहा आपको, इसमें तो ज्यादा मेजर नहीं दे रहा है। ये वाला पेन कुछ भी नहीं था सर, इसके मुकाबले जो अभी पेन है ना, वो अनबियरेबल पेन है, मतलब किसी भी पोजीशन में। मैं मतलब जैसे लगता है मुझे पैरालिटिक हो गया, मैं बिल्कुल ही इस पैर से कुछ भी, एक दो स्टेप चल के दिखाइए। अभी मैं थोड़ा पेन किलर लिया हूं तो मैं बैठ पा रहा हूं, नहीं तो मैं बैठ भी नहीं पाता, और मैं कुछ कपड़े भी ना, ये पैर उठा नहीं पाता हूं, कि मैं नहीं खुद से झुक नहीं सकता। अभी आप ट्रीटमेंट के लिए कहाँ से आ रहे हैं? मैं दुबई से कल आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली आया हूँ। जी हाँ। दोनों हाथ को सर पीछे कर लो आप, ऐसे बस, ऐसे नीचे नीचे रख लो, बॉडी को जितना लूज छोड़ सकते हैं आप लूज छोड़ दीजिए। अभी ठीक, थोड़ा कंफर्टेबल है? थोड़ा कंफर्टेबल है, हाँ थोड़ा लग रहा है। 2-5 मिनट टाइम दीजिए मुझे। यहाँ से स्टार्ट है, हेल्थ टू से प्रॉब्लम स्टार्ट है। अभी जो MRI में दिख रहा है उससे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ आपको, ये L4, L5, S1 and L3 आल्सो। एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, इसमें दर्द? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा है। हाँ, ट्रैवल तो नहीं, इसमें नहीं है। एक लंबा सांस, सर आपको एक तरफ करवट होना है, हो पाएंगे आप? इधर हो जाइए, और किनारे आ रहा है, और किनारे करना क्या है, उसको फोल्ड करना है, एकदम इजी, दम बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है। इसे लॉक 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 कीजिए, बस एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए सांस, लूज,
ऐसे ही ठीक उधर बन जाएंगे। इसको लॉक, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, सीधा लेट जाइए। इस पैर मारो ना जरा जी। बस बस थोड़ा सा, बस बस एक मिनट दीजिए मुझे, बस एक मिनट, 20 सेकंड बस पेन होगा, बस बस। पेन 20-30% कम हो जाएगा। चलिए यही देखेंगे, सो जाएंगे मेरे ऊपर, सो जाएंगे बस। अभी बताइए सर, चलिए थोड़ा चलिए आराम से, डरिए नहीं, चलिए। लग रहा है रिलैक्स लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। चलने में आप इजी लग रहा है? इजी लग रहा है। जो जकड़न लग रहा था ऐसा तनाव, वो तो अभी कम लग रहा है। हाँ, कम लग रहा है। थोड़ा आपको बता दिया कि थोड़ा सा आप रिलैक्स भी कर रहे हैं। तो ये कल कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल हो सके कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों में बुलाऊं। और एक छोटी सी परमिशन, ये वीडियो को मैं सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना जी, ठीक है।